हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वी शिक्षा मिक्स यूर स्टोरी इजी आज हम आपके लिए साइंस के क्लास टेन चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज लाए हैं ये एमसीक्यूज आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है इसके साथ साथ ये एम जो आपको चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि सभी को जो है एक्सप्लेन किया गया है आपको हर एम के अंदर फाइव सेकेंड्स का टाइम मिलेगा तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है कैसी हुई है ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्वेश्चन नंबर वन अ मेटालिक कंडक्टर हैज़ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो है जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं द मेटालिक कंडक्टर इज तो स्टूडेंट जो मेटालिक कंडक्टर होगा वो कैसा होगा ए पॉजिटिवली चार्ज बी नेगेटिवली चार्ज या सी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एंड डी न्यूट्रल योर आंसर इज डी न्यूट्रल आपका जो मेटालिक कंडक्टर होगा वो न्यूट्रल होगा क्योंकि जो कंडक्टर के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर उसको लूज़ करता है तो यहाँ पर जो आपका मेटालिक कंडक्टर है तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है इसलिए आपका कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होगा क्वेश्चन नंबर टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर डिपेंड ऑन मेटालिक वायर की जो रजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ए इट्स लेंथ बी इट्स थिकनेस सी नेचर ऑफ मटेरियल या डी ऑल ऑफ दीज एंड योर आंसर इज सी नेचर ऑफ मटेरियल रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि नेचर और टेम्परेचर जो आपका कंडक्टर का नेचर और टेम्परेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है तो जो आपका अच्छा कंडक्टर होगा उसके अंदर जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो लेस होगी और जो आपका वेट कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी क्वेश्चन नंबर थ्री द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रो ए कंडक्टर इज़ आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और आपका जो एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट है जब ये किसी कंडक्टर से पास होता है तो उनका जो ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसा बनेगा ए स्ट्रेट लाइन बी पैराबोलिक सी पैरल लाइन या डी हाई पैरबॉलिक एंड योर आंसर इज ए स्ट्रेट लाइन जब आपका किसी कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम जो है वी आई ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू होम लो कि आपका जो होम लो है उसके हिसाब से जो हम क्या करते हैं जो आपका वोल्टेज है आपका जो पोटेंशियल है उसको हम जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं जबकि हम करंट को जो है वाई एक्सिस के ऊपर जो है प्लॉट करते हैं और जो आपका स्लोप बनेगा वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी क्वेश्चन नंबर फोर अ वायर ऑफ रजिस्टिबिटी पी इज स्ट्रेस टू डबल एट्स लेंथ आपकी एक वायर है पी जिसकी रजिस्टिबिटी पी है अब उसको आपने क्या कर दिया स्ट्रेच करके डबल कर दिया तो व्हाट इज़ न्यू रजिस्टिबिटी तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जो अब आपकी जो पी वायर है इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी ए क्या वो डबल हो जाएगी बी वन फोर्थ हो जाएगी सी सेम रहेगी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा या डी नन ऑफ दीज एंड योर आंसर इज सी सेम आपका जो वायर है जिसकी जो रेजिस्टिविटी हमने रिप्रेजेंट की थी पी से जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो सेम रहेगी क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और उसकी फॉर्म या शेप के अंदर कोई भी चेंज आने के कारण जो है रजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज़ द रजिस्टेंस ऑफ ए एन एमिटर आपका जो एमीटर जो कि सर्किट के अंदर यू, आ, यूज होता है उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है ए डिपेंड ऑन करंट बी जीरो सी इंफिनिटी या डी नन ऑफ दीज एंड योर आंसर इज बी जीरो एमीटर की जो रजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है ताकि जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो एमीटर की रजिस्टेंस जो क्या होगी जीरो सो दैट देयर वॉज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट सो इट वुड नॉट इफेक्ट द करंट क्वेश्चन नंबर सिक्स टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट से एंड बी इन पैरलर आपके दो डिवाइसिस को एक दूसरे के पैरलर जो है दो पॉइंट में रखा जाता है सपोज कर लीजिए वो ए और बी है द फिजिकल क्वांटिटी देट दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द टू पॉइंट इज़ अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कौन सी आपकी फिजिकल क्वान्टिटी जो है वो सेम रहेगी ए करंट बी रजिस्टेंस सी वोल्टेज या डी ऑल ऑफ दीज एंड योर आंसर इज सी वोल्टेज इनके बीच में जो है वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि जब पैर जो आपका आपके जो टू पॉइंट्स है जो जिसको आपने एक जो डिवाइस आपके आमने सामने रखे हैं ए और बी पैरलर रखा हुआ है तो इसमें करंट क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा जबकि आपका वोल्टेज जो है सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन वैन इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं बी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे सी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट या करंट की डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करेंगे या डी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट या करंट के जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जो है मूव करेंगे एंड योर आंसर इज बी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आपके जो इलेक्ट्रॉन है और जब हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है मूव करेंगे मतलब कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है मूव करते हैं जबकि आपका कन्वेंशनली जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है मूव करता है क्वेश्चन नंबर एट इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स रजिस्टर इज हाफ्ड द हीट प्रोड्यूस इन इट विल बिकेम अगर किसी फिक्स रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट को हाफ कर दिया जाए तो उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी ए वन फोर्थ बी वन हाफ सी डबल या डी फोर टाइम एंड योर आंसर इज वन फोर्थ आपके जब आप रजिस्टर से जो आप करंट करंट पास करते हो और उसको अगर हम आधा कर दें तो आपकी जो इसके द्वारा हीट प्रोड्यूस होगी वो वन फोर्थ होगी क्यों क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जूल लो हीट इज डायरेक्टरी प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ ए गिवन रेजिस्टेंस तो गिवन रेजिस्टेंस पे जो जूल लो है उसके हिसाब से जो है आपका जो करंट होता है वो हीट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है कहने का मतलब ये है कि अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपकी हीट भी बढ़ेगी इसलिए जो आपकी हीट वन फोर्थ हो जाती है क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कॉमर्शियल यूनिट इनमें से कौन सी है ए जूल बी किलो जूल सी किलो आवर या डी वाट आवर एंड योअर आंसर इज सी किलो वोट आवर जिसको हम रिप्रजेंट करते हैं थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर सिक्स जूल क्वेश्चन नंबर टेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए टू ट्वेंटी वोल्ट जनरेटर जब हम किसी एक इलेक्ट्रिक बल्ब को टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट करते हैं द करंट इज जीरो पॉइंट फाइव जीरो एम्पियर तो आपका करंट जो है जीरो पॉइंट फाइव जीरो एम्पियर होता है तो वट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब तो हमें बताना है कि बल्ब की जो पावर होती है वो कितनी होगी ए 440 फोर्टी वोल्ट बी वन हंड्रेड टेन वोल्ट सी फिफ्टी फाइव वोल्ट या डी टू ट्वेंटी वोल्ट एंड योर आंसर इज बी वन हंड्रेड टेन वोल्ट आपकी जो पावर होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट के इक्वल होती है मतलब पोटेंशियल डिफरेंट और करंट का जो है प्रोडक्ट होता है तो जब हम 220 ट्वेंटी वोल्ट को जीरो पॉइंट फाइव जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वन हंड्रेड टेन वोल्ट आएगा थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल शिक्षा मेक्स योर स्टडी इजी होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें आप सभी को शेयर कीजिए ताकि जैसे ही आपके लिए हेल्पफुल बना है तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल बने